सपना दिस यहाँ से आए ला हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे कौन है ब्लॉग वीडियो पर। आशा करता है फ्रेंड आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिला ग्राम जारा गांव में निकला है शिवलिंग, जो कचरे घुरुए के ढेर से प्रकट हुआ है शिवलिंग, ऐसा करके यहाँ के लोगों का कहना। और यहाँ पर मंदिर का भी निर्माण कर दिया गया है। तो चलिए फ्रेंड, मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ और आपको अद्भुत चमत्कारी शिवलिंग का दर्शन कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप हमारी वीडियो पर बने रहिए और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आप हमारे इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शिवलिंग आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो गया है। तो चलिए फ्रेंड, हम अंदर तरफ चलते हैं और आपको शिव जी का दर्शन कराते हैं। आप हमारी वीडियो पर बने रहिए। अब यहाँ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम पूछते हैं, यहाँ पर दीदी है जो यहाँ पर पूजा पाठ का सामान यहाँ पर देती है। चलिए पूछते हैं। दीदी, आप मन से एक सवाल पूछना रही से कि ये जो शिवलिंग है यानी कि कितना दिन हो गए यहाँ पे, यानी कि सुने रहे हो कि मैं गुरुआ अगर आकर रिहर्स करके आओ से निकले है कि बोलते पहले सियान मन है, गुरुवा से निकले हैं करके। हाँ, कम से कम 100 साल ले ज्यादा हो गए, अभी सियान मन नहीं जाना। हाँ, तब से निकले हुआ। अच्छा, और पहले छोटे से मंदिर गुरुवा ना कचरा निकालत निकालत देखी से पता चली धीरे धीरे पूजा पाठ इतने गाँव मन करत रही से थोड़ा देर वहाँ बढ़ा दी से बढ़ा दी प्रचार हो दी सपना दी सिंह सियान ला तब यज्ञ करे शुरू हुई ना तो उधर आ रहा हर मतलब एक ठन सिक्का घुसे तो ये अभी यानी कि के साल हो गए तो यहाँ जो ये मंदिर वगैरह बने थे। ये मंदिर है तो 25-26 साल 25-26 साल हो गए ना। तो ऐसी पूजा पाठ होती रही इसकी, अभी अभी भीड़ भड़ा का कुछ ज्यादा लगे चालू होगी शिवलिंग निकला करके। हाँ, अभी मतलब आते रही थे यहाँ कोई भी यही आस पास में ना। हाँ, ये मन यहाँ दर्शन करे लाते यहाँ कम से कम 50-55 साल हो गए मतलब महाशिवरात्रि में 7 दिन की होते हैं के समय बहुत बोल बम आते हैं बहुत भीड़ होती है। अच्छा, मेला जैसे हर सोमवार के शिव महापुराण सुनत जाते ज्यादा बढ़त जाते शिव महापुराण की वजह से अभी अभी ज्यादा आते आदि मन दर्शन करे बस शिव जी के है ना। बहुत दूर दूर के जाते मतलब यहाँ अभी सरकारी नहीं हुए ना नाम से ज्यादा होते की है नहीं है सरकारी हो जाती है ना जैसे शिवपुर के है इसने करो मान्यता ज्यादा बढ़ जाती है। गाँव का मन है देख रेख करा थे समिति बना के। अच्छा चलो ठीक है फिर, धन्यवाद आप मन के है ना। तो चलिए फ्रेंड, हम चलते हैं शिव शंभु मंदिर में और आपको दर्शन कराते हैं भगवान भोलेनाथ का। दीदी से हमने पूछा तो उन्होंने सारी जानकारी हमको दे दी है। अब हम मंदिर की तरफ चलेंगे और आपको चमत्कारी शिवलिंग का दर्शन कराएंगे। ये गोबर के गड्ढे कूड़े कचरे से यहाँ पर फेंकते थे पहले और उसी में प्रकट हुआ है स्वयं शंभु शिवलिंग। अब अंदर की तरफ चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। चलिए फ्रेंड, हम मंदिर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य द्वार में सामने में नंदी जी विराजमान हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भगवान भोलेनाथ का यहाँ पर चमत्कारी मंदिर आपको दर्शन करने के लिए घर बैठे मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ भक्त पूजा पाठ यहाँ पर कर रहे हैं और काफ़ी बड़ा है शिवलिंग। और यहाँ पर अभी कुछ दिनों से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है भक्तों की, क्योंकि अभी शिव महापुराण का अभी बहुत ही ज़्यादा कथा चल रहा है। तो शायद
उसके कारण अभी बहुत जगह शिवलिंग भी प्रकट हो रहे हैं। शायद ये चमत्कार से कोई कम नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी भक्तों की यहाँ पर भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी, और हर दिन यहाँ पर 50 से 60 70 लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं, और मंदिर को काफ़ी सुंदर से यहाँ पर सजाया गया है। शिव जी का आपको दर्शन करके कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, और हम आप लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट नई नई वीडियो जो धार्मिक से जुड़ी हुई रहती है वो वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। अगर आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे वो नमक है बेटा, नमक है, तो टीका लगाने का दे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।